हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना? तो हमारे अभी ये दो सब्जेक्ट चल रहे हैं, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड होते हैं। सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सुबह 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहाँ तक कि मुझे जैसा फील होने लगा है सबको मजा आ रहा होगा। क्लियर है इतना? तो मैं दिलीप कुमार आज फिर आपके लिए एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलम एंड स्ट्रट्स। क्लियर है ना? हम समझेंगे कॉलम क्या होता है, स्ट्रट्स क्या होता है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाला है आज का, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि लेक्चर को पूरा एट द एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और मैं बात कर रहा हूँ बार बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब की, तो इसका मतलब कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे गेट का एग्जाम दो, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दो, एसएससी जेई के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, हर साल क्वेश्चन आते हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई। ये टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई, मैं लिखा भी दे रहा हूं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसएससी जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी, जो भी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, 101% एक दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा और इतना आसान क्वेश्चन आता है कि स्कोरिंग है ओनली। क्लियर है ना? आज समझ आ जाएगा सबको, इतना क्लियर है। तो जल्दी से जल्दी बता दो कि अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं, अभी तक की जो हमारी जर्नी है, 73 लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल और ऑलमोस्ट आई थिंक कितनी हो गई होगी, 20-30 लेक्चर तो हो गए होंगे उसमें थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर है ना? तो यहां तक की जो जर्नी है, मैथमेटिक्स के भी 30+ लेक्चर हो गए हैं, तो आपको कैसा अनुभव मिला? क्लियर है ना? आपको कितनी चीजें सीखने को मिली आपको कमेंट करके आज बताना है मुझे। कितना आपने लर्न किया, जो पहले किसी को कुछ आता था उससे आपने कुछ एक्स्ट्रा सीखा, कंसेप्ट को बहुत आसानी से सीखा, या फिर आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई, तो वो सारी चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। और वाकई में अगर पसंद आया है तो लाइक करना है, लाइक के साथ साथ शेयर तो जरूर करना है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मेरा मोटिवेशन बनता है तो मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है। क्लियर है ना? फुल एनर्जी के साथ मैं आपको बहुत धूमधाम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? इतना क्लियर है। और जिस भी स्टूडेंट को लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहीं पर आपको लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे फिर मुझसे मत बोलना कि सर हमको लेक्चर के पीडीएफ नहीं मिल रहे। क्लियर है ना? तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना क्लियर सबको? और जो भी स्टूडेंट नया जुड़े हैं चैनल में तो क्या करें, पहले तो स्टार्टिंग से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर देखना शुरू करें। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कॉलम एंड स्ट्रट्स देख सकते हो, ये सेपरेट टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं आती है तो मेरा यकीन मानो, भरोसा मानो मेरा, कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करो और लेक्चर 73 तक पहुंचो। अगर आपको चीजें नहीं समझ आए तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना, सबके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है कि सर आपने बहुत वाहियात पढ़ाया हमको समझ नहीं आया। ओपन चैलेंज देता हूं, अगर नहीं समझ आए तो गारंटी है। क्लियर है ना? बट स्टार्टिंग से फॉलो तो करो, फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं लोग। क्लियर है ना? और हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप सोम के, हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व, यूनिवर्सिटी एग्जाम, गेट का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, एसएससी जेई का एग्जाम, इसरो का, एनएलसी, जितने भी यूपीपीसीएस स्टेट लेवल के असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जितने भी दुनिया जहां के एग्जाम है, बस इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आना चाहिए और आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी। और हमेशा याद रखना, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल आएगा वही मशीन डिजाइन पढ़ने के लिए कैपेबल हो पाएगा, क्योंकि मशीन डिजाइन में हमको डिजाइन अगर करनी है तो डिजाइन के लिए हमें उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और स्ट्रेंथ हम तब पता कर पाएंगे जब हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता हो सब्जेक्ट। ये बेसिक्स ऑफ डिजाइन है। क्लियर है ना? तो यहां तक हमने, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मोटा मोटा इंट्रोडक्शन सबको बता दिया है, फिर भी आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपका तो क्या है, खुदाई मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते। इधर देखो, बाकी जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं सारी चीजें, बार बार बोल रहा हूं, एक बार शेयर जरूर कर देना वीडियो को खत्म होने के बाद। क्लियर है ना? अभी मत करो, वीडियो जैसे ही खत्म हो जाता है आपको बहुत अच्छा लगता है,
कि हाँ आज सर ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है, सीखने लायक है कुछ, तो आप भी अपने फ्रेंड्स में क्या करो, चीजों को शेयर कर दिया करो। ये मत सोचा करो कि अगर हम शेयर करेंगे तो कोई ज्यादा लर्न कर लेगा, क्लियर है ना। जिसे लर्न करना होगा वो दुनिया जहां में कहीं ना कहीं से खोज के लर्न कर ही रहा होगा, तुमको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अपना लर्न करो, दूसरे को उस पर छोड़ दो, क्लियर है ना। बट हाँ, कंटेंट उसके पास पहुंचाओ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि सब लोगों के पास कंटेंट नहीं पहुंचा। सब लोगों के पास कंटेंट पहुंचा होगा तो वो मुझसे जुड़ जाएंगे, नहीं उनको अच्छा लगेगा तो नहीं जुड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, मैंने कमेंट पढ़े थे कि दो तीन स्टूडेंट ने बोला है कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाया करो, इंग्लिश में पढ़ाया करो। देखो, इंग्लिश में तो पढ़ा देंगे, लेकिन ज्यादातर जो क्राउड है वो हिंदी वाला है, कि हिंदी में लैंग्वेज समझना आसान होता है और चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चों की डिमांड होती है वो हिंदी की होती है। हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि अगर मैं दो लैंग्वेज बार बार बोलूंगा कि हिंदी में भी बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और वही सेम चीज़ फिर आपको बोर लगने लगेगी, क्लियर है ना। तो जो भी इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बिल्कुल इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा बीच बीच में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने की, क्लियर है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सर पहले तो कॉलम एंड स्ट्रट की बात कर रहे हैं, तो कॉलम क्या होता है वो बता दो, स्ट्रट क्या होता है वो भी बता दो, क्लियर है ना। पहले हम कॉलम को समझेंगे और स्ट्रट को समझेंगे। मतलब कहने का कि ये कोई स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, जैसे हमारा कोई स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर में हमने एक बीम देखा था, बीम भी क्या स्ट्रक्चरल मेंबर था, विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड, हमने डिफाइन किया था कि ऐसा स्ट्रक्चर का मेंबर जिस पे ट्रांसवर्स शियर लोड एक्ट कर रहा हो अपने काम के दौरान, उसको हम बीम बोलते थे। सिमिलरली कॉलम भी एक स्ट्रक्चर का मेंबर है, इस पर हमारा क्या लग रहा होगा, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा, ठीक है। कॉलम पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा, और ऐसा मेंबर जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। फिर स्ट्रट क्या है, स्ट्रट भी यही है। मतलब कहने का स्ट्रट भी स्ट्रक्चर का ऐसा मेंबर जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो। बोलो सर काहे बेवकूफ बना रहे हो बार बार एक ही चीज बोल रहे हो, स्ट्रट भी वही बोल रहे हो, कॉलम भी वही बोल रहे हो, डिफरेंस क्या है, हमको तो डिफरेंस समझना है। अब ध्यान से समझना डिफरेंस को। मैंने बोला स्ट्रक्चर का कोई भी मेंबर जिस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा वो या तो कॉलम भी हो सकता है या स्ट्रट भी हो सकता है। तो कॉलम कब होगा, जब वो मेंबर वर्टिकल पोजिशन में हो। ध्यान से सुनना कि कोई भी मेंबर अगर वर्टिकल पोजिशन में है, क्या ये दिखाई दे रहा सबको, वर्टिकल पोजिशन बिल्कुल दिखाई दे रही है, देखो दिखाई दे रही है, ये वर्टिकल पोजीशन में मेंबर है और इस पे ऊपर से कोई एक्सियल लोड लगा हुआ है तो इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। और अगर ये मेंबर दोनों एंड से फिक्स भी है, तीन चीजें बताइए मैंने कि वर्टिकल मेंबर या फिर वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड एंड फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स इज नोन एज कॉलम। क्या इतना क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको। फिर भी मैं इंग्लिश में एक बार समझा देता हूं जिन स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, कि कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड एंड विच इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स। क्लियर है ना, फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स, ये हमारी कॉलम की डेफिनेशन। अब स्ट्रट क्या है, स्ट्रट क्या है, स्ट्रट इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। मैंने वर्टिकल नहीं बोला, याद रखना, मैंने बोला है स्ट्रट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, बट स्ट्रट्स कैन बी इन एनी पोजीशन। स्ट्रट क्या हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, हो सकता है वो क्या हो, इंक्लाइंड हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो सकता है वर्टिकल हो, एंड बोथ एंड ऑफ द स्ट्रट्स स्ट्रट मे बी बोथ एंड फिक्स भी हो सकते हैं, एक एंड फिक्स एक एंड फ्री भी हो सकता है, एक एंड हिंज एक एंड फिक्स भी हो सकता है, और बोथ एंड हिंज भी हो सकते हैं। मींस चार कंडीशन में स्ट्रट को हम अरेंज कर सकते हैं, बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड हिंज, वन एंड हिंज वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज वन एंड फ्री, चार पोजीशन में हम स्ट्रट को रख सकते हैं, लेकिन कॉलम दोनों एंड से फिक्स होना चाहिए। अब जो भी मैंने फारसी में और इंग्लिश में और हिंदी में बोला है उसको क्या मैं यहां पर लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर, हमारी तो इच्छा ही ये करती है कि आप जल्दी से जल्दी लिखो, हम भी छापें कॉपी पेन लेके बैठो, और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ आप भी लिखते रहो मेरे साथ साथ, इसी तरह से नोट्स बनाते रहो, देखो मजा आ जाएगा पढ़ने में। मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कॉलम की। कॉलम क्या था, कॉलम देखते हम, ये देखो हम बात कर रहे हैं कॉलम को कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारा कॉलम, मैं तुरंत बोल दूंगा कि इट इज अ
इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू, विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड एंड फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स। ऐसा कोई स्ट्रक्चर मेंबर जो वर्टिकल पोजीशन में अरेंज हो और दोनों एंड से फिक्स हो और उस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो, उसको बोलते हैं कॉलम। क्लियर है ना? ठीक है, तो स्ट्रट क्या होगा सर? ठीक है, स्ट्रट भी समझ लेते हैं। स्ट्रट ये भी क्या स्ट्रक्चरल मेंबर है? इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। वर्टिकल नहीं बोला, याद रखना, मैं स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू, विच इज सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड एंड स्ट्रट कैन बी, can be arranged, can be arranged in any position, मतलब horizontal भी हो सकता है, vertical भी हो सकता है और हमारा inclined भी हो सकता है। ठीक है, and conditions of the strut maybe क्या हो सकती है? Both end fixed हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, both end fixed और both end hinged, both end क्या हो? Hinged हो, मतलब hinge का मतलब होता है pin joint लगा हो और fix का मतलब सब जानते हैं welding वगैरह कर रखा हो, both end hinged, comma one end fixed हो सकता है, one end fixed and other end hinged, other end hinged and और क्या हो सकता है? one end fixed and other end free, one end fixed and one end fixed other end free। क्लियर है? वन एंड फिक्स हो सकता है और अदर एंड क्या होगा? फ्री होगा। वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री, अदर एंड फ्री। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हुआ। ये तो थे हमारे कॉलम और स्ट्रट क्या होते हैं। ठीक है, बीम सबको पता है, बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी। कितनी बार बता चुका हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम कितने टाइप के होते हैं और इसमें जो फेलियर होगा उस फेलियर का नाम क्या है उसे बता रहा है। क्लियर है ना? टाइप्स ऑफ कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, लो मैं बात कर रहा हूं किसकी? टाइप्स ऑफ कॉलम। यहां पे हेडिंग डाल लेते, टाइप्स ऑफ कॉलम। देखो सबसे पहला टाइप जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वन, इसका नाम है शॉर्ट कॉलम। कौन सा कॉलम? शॉर्ट कॉलम। ठीक है, दूसरा होता है मीडियम कॉलम, नाम से ही पता चल रहा है। कौन सा? मीडियम कॉलम। तीसरा होता है, क्या होता है सर? तीसरे को बोलते हैं लॉन्ग कॉलम, बड़ा होगा लॉन्ग कॉलम। एक तो होगा छोटा सा, चुन्नू सा, चुन्नू सा मतलब छुटकी सा, बहुत अच्छे। और एक होगा क्या? मीडियम। और एक होगा क्या? लॉन्ग कॉलम। इतना क्लियर है? जो शॉर्ट कॉलम होगा जिसकी हाइट क्या होगी? छोटी सी होगी, कम हाइट का होगा। अगर उस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाता हूं, जैसे आप फील करना चीजों को कि मैंने एक बहुत लंबी क्या ले ली? स्टिक ले ली।
बहुत लंबी क्या ले ली स्टिक, उस पर मैं एक्सेल कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा तो बीच में से बेंड हो जाती है, हो जाती है कि नहीं होती, उसी को बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं कि उसी को हम बोल रहे हैं बकलिंग। क्या समझ आ रहा है कि एक्सियल लोड की वजह से अगर किसी भी स्ट्रक्चर की एक्सेस क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बकलिंग। क्या इतना क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं लेंदी कॉलम लूंगा, लेंदी स्ट्रक्चरल मेंबर लूंगा, तो उसमें बकलिंग के चांसेस ज्यादा है, या बिल्कुल छोटा सा ले लिया, छोटी सी स्टिक को कितना भी दबा लो, क्या वो बकल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या वो बेंड, ऐसे बेंड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट कॉलम जो है स्ट्रांग होते हैं, किसमें? बकलिंग में। बकलिंग होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन इनका फेलियर जो होता है वो क्रशिंग में फेलियर होता है। क्रशिंग मतलब कि अगर मैं कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा तो बीच में एक ऐसा प्लेन होगा जहां से सीयर हो रहा होगा, मींस वो चूरमूर हो जाएगा। क्रशिंग का मतलब क्या होता है? चूरमूर, कि अगर मैंने बहुत ज्यादा लोड लगा दिया तो कहीं ना कहीं बीच में से क्या हो जाएगा? चूरमूर हो जाएगा वो कॉलम। और ऐसे ही फेलियर को बोलते हैं क्रशिंग फेलियर। क्लियर है ना? तो मैं बोल दूंगा जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो फेल करते हैं ड्यू टू क्रशिंग, फेल्स ड्यू टू क्रशिंग, फेल्स ड्यू टू क्रशिंग। इतना क्लियर है? एंड स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग। बकलिंग में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग। अभी बताऊंगा बकलिंग भी क्या होता है, डेफिनेशन लिखा के। मीडियम कॉलम ये क्या होते हैं? दोनों में फेल कर जाते हैं, डिपेंड करता है लोड कितना लगा हुआ। फेल्स ड्यू टू बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग, क्रशिंग एंड बकलिंग। क्लियर है? और ये फेल करते हैं बकलिंग से, फेल्स ड्यू टू बकलिंग। इतना क्लियर है? एंड स्ट्रॉन्ग इन क्रशिंग। क्रशिंग में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन क्रशिंग। देखते रहो, इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सबको? ठीक है, अब इधर देखना कैसे होता है बकलिंग, होता क्या, कैसे होता है बकलिंग वो देखना। मैंने कोई कॉलम लिया, लो मैं एक कॉलम ले रहा हूं, ये रहा हमारा कॉलम, मैंने कोई कॉलम ले लिया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, ये हमने कोई कॉलम कंसीडर किया। क्या सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हमने लॉन्ग कॉलम ले लिया और इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया दोनों एंड से। ये हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया दोनों एंड से। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर। एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं, बहुत अच्छे। अब मैंने इस पे लोड लगाया, क्या किया मैंने? इस पे लोड लगाया, कुछ लोड लगा रहा हूं मैं लोड, और ये जो लोड है इसको मैं बोल दूं कुछ मैंने लोड लगा दिया पी लोड। इधर से भी फिक्स है तो इधर से भी पी लग रहा होगा। क्या एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है? बिल्कुल लग रहा होगा। इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा ऊपर, इस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो अगर ये लॉन्ग कॉलम हुआ और अगर लोड इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा लगा दिया, मींस जितना ये बियर कर सकता था इससे ज्यादा मैंने लोड लगा दिया, जैसे ये मार्कर है, ये पेन है, इस पेन पे मैंने लोड लगाया अपने हाथ से, तो ये बकल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता ही नहीं इसको बकल करवा दें। लेकिन मैं वो लेके आया, बुलडोजर लेके आया, ट्रक लेके आया, इसके ऊपर क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। क्या होगा? चूरमूर हो जाएगा। हो सकता है बहुत बड़ा हुआ ये वाला पैन, क्या हुआ? बहुत बड़ा हुआ और मैंने बहुत वेट लगा दिया, तो ये पहले क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। किस तरह बेंड करेगा? इधर देखना, समझना। यहां पर इस तरह से कुछ बेंड कर जाएगा ये, कि यहां से इस तरह का कुछ बेंडिंग दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब इस फिनोमेना को बोलते हैं हम, क्या हो गया? बकल कर गया। मींस ये जो कॉलम हो रहा है ये कैसे फेल करेगा? फेल्स ड्यू टू बकलिंग, ड्यू टू बकलिंग। मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस कॉलम को लोड सहने की जो क्षमता थी, क्रिटिकल लोड जो इस पे हम लगा सकते थे, वो मान लिया हमने पी क्रिटिकल, जो हम यूलर से पढ़ेंगे, पीई बोल रहा हूं मैं, पीई क्या है? यूलर्स क्रिटिकल लोड, यूलर्स क्रिटिकल लोड ड्यू टू बकलिंग, ड्यू टू बकलिंग। मतलब कहने का कि अगर ये बकल कर रहा है तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू लोड बियर करने की कितनी है? पीई के बराबर है। और पीई मान लिया लेट, पीई कितना है? हमने बोल दिया ये हमारा 15 किलो न्यूटन। इतना क्लियर है? लेट
पी कितना है 15 किलो न्यूटन। इसका मतलब मैं 15 किलो न्यूटन से अगर ज्यादा लगा दूंगा लोड तो ये वाला स्ट्रक्चरल मेंबर या फिर जो कॉलम है वो क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा। इतना क्लियर हुआ सबको? लेकिन अगर मीन्स इफ पी अप्लाइड इज ग्रेटर देन पीई तो क्या हो जाएगा, फेल्स ड्यू टू बकलिंग, फेल्स ड्यू टू बकलिंग। बहुत अच्छे। और ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये किस कॉलम का लिया है, लॉन्ग कॉलम का लिया है। लॉन्ग कॉलम में ही बकलिंग की वजह से होता है। इतना क्लियर है सबको? एग्जाम्पल जो है किसका है, लॉन्ग कॉलम का। अगर मैं बोलता हूँ इफ इफ जो पी अप्लाइड था एक्सियल लोड वो क्या लेस देन पी है तो कोई बकलिंग नहीं होगा, नो फेलियर होगा, मीन्स नो फेलियर, आराम से बियर कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्रिटिकल लोड इस पे इतना लगा सकते थे हम, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर इससे कम लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पीई जो हमारा लोड है, यूलर्स बकलिंग, क्रिटिकल बकलिंग लोड मैंने बोला है। लेकिन यहाँ क्रशिंग लोड की वैल्यू 15 किलोन्यूटन से ज्यादा होगी कम होगी, कोई मुझे बता सकता है? क्रशिंग लोड की वैल्यू, क्रशिंग की वजह से जो भी अगर फेलियर होने वाला होगा, ये क्रशिंग में स्ट्रांग है या फिर वीक है? देखो स्ट्रांग है क्रशिंग में, इसका मतलब ये 15 किलोन्यूटन से ज्यादा लोड बियर कर सकता है क्रशिंग में। तो यहाँ पे जो क्रशिंग लोड होगा, क्रशिंग वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, वो ऑलमोस्ट होगा 20 किलोन्यूटन। क्लियर है ना? क्योंकि ये एक लॉन्ग कॉलम है और लॉन्ग कॉलम क्रशिंग में क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सबके दिमाग में घुसी बात? बोला सर ठीक है घुस गई। अब ये बकलिंग बता दो होती क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे बकलिंग को, कि ये बकलिंग होती क्या है। इधर देखना, अब मैं बकलिंग में और बेंडिंग में डिफरेंस बता रहा हूं। बकलिंग किसे बोलते हैं और बेंडिंग किसे बोलते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं कि जब भी कभी ये जो हमारा क्या है स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये इसकी एक्सिस है, दिखाई दे रही सबको, स्ट्रक्चरल मेंबर की एक्सिस है। अगर मैं लोड लगाता हूं एक्सियल लोड तो इसकी एक्सिस जो है डेविएट कर जा रही है। देखो एक्सिस क्या हो जा रही है, डेविएट कर जा रही है ड्यू टू एक्सियल लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड की वजह से जो एक्सिस डेविएट कर रही है स्ट्रक्चरल मेंबर की, उसे हम बोल रहे हैं क्या, बकलिंग। लेकिन अगर मैं ट्रांसवर्स शियर लोड लगाता हूं, मैं बीम पे लगाते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड, अगर हम ट्रांसवर्स शियर लोड लगाते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर पे, तो उसकी वजह से उसकी एक्सिस जो होती है उस मेंबर की, वो क्या होती है, डेविएट कर जाती है, उसको बोलते हैं बेंडिंग। तो कैसे लिखेंगे हम डेफिनेशन, नेक्स्ट पेज में लो, मैं बात कर रहा हूं बकलिंग वर्सेस बेंडिंग में क्या डिफरेंस है, बेंडिंग वर्सेस बकलिंग। देखना ये पूछता रहता है इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं, और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और बहुत ही खूबसूरत से। इधर देखना, मैं बोल रहा हूं कि डेविएशन ऑफ बेंडिंग की बात करें, सबसे पहले किसकी बात कर ले, बेंडिंग की बात कर लेते हैं। डेविएशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड इज कॉल्ड बेंडिंग। क्लियर हुआ सबको? डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि डेविएशन ऑफ द एक्सिस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड इज कॉल्ड बेंडिंग। मतलब कहने का, स्ट्रक्चरल मेंबर की एक्सिस का जो डेविएशन ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से हो रहा है, उसे बोलते हैं बेंडिंग। जैसे मैंने मान के चलो ये इसे फिक्स कर लिया और मैंने एक स्ट्रक्चरल मेंबर लिया, लो ये स्ट्रक्चरल मेंबर है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर मैंने ट्रांसवर्स शियर लोड लगा दिया, ये होता है ट्रांसवर्स शियर लोड पी। इसकी वजह से जो भी इसमें बेंडिंग आएगी तो इस तरह की दिखाई देगी सबको, देखो। और ये जो बीम है इस तरह से क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, ऐसे बेंड कर जाएगी, और इसको बोलते हैं हम बेंडिंग। ये क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। और बेंडिंग की वजह से ये जो इलोंगेशन आया है, इसको हम नाम देते हैं डिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? तो हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन इन बीम्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है ये फिनोमेना क्या है, ये बेंडिंग हो रहा है। और सबको क्लियर हो गया होगा, हमने एग्जाम्पल लेके देख लिया है। क्या इतना क्लियर है, एग्जाम्पल बेंडिंग का ये हो गया। अब मैं बात करता हूं बकलिंग की, बकलिंग को कैसे डिफाइन करेंगे ये देखना। अगर मैं बात करता हूं सर बकलिंग की, तो ये देखो बकलिंग क्या होगा, कि डेविएशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड
एक्सियल कंप्रेसिव लोड। बिल्कुल क्लियर हो गया, बस लोड का डिफरेंस आ रहा है, बाकी एक्सिस डेविएट कर रही है। एक जगह ट्रांसवर्स शियर लोड लगा रहे थे तो बेंडिंग हो रही थी, एक जगह एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो बकलिंग हो रहा है। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल तो अंधा ही बता देगा। देखो अभी बनाया हमने, ये कोई स्ट्रक्चरल मेंबर लिया लेंथी सा, यही है ना, ले लिया, क्लियर है सबको। और यहां पर मैंने एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाता हूं तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड सबको दिखाई दे रहा होगा, ये तरह इस तरह का लगेगा। ये क्या लगा दिया हमने, एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी, ठीक है। अब इसकी जो बकलिंग होगी कुछ इस तरह की दिखाई देगी सबको, क्लियर है ना, और इसको हम बोल रहे हैं क्या है, बकलिंग। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गई होगी बकलिंग क्या है और बेंडिंग क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब मैं बात करने वाला हूं यूलर्स क्रिटिकल लोड किस कॉलम के लिए यूजफुल होता है, क्या इसका कंसेप्ट है। यहां पर देखो डेरिवेशन इंपोर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो, क्लियर है ना। अभी समय थोड़ा सा क्या है, हमको और भी सिलेबस कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं डेरिवेशन वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि कभी पूछता नहीं है डेरिवेशन इसका, यूलर्स बकलिंग लोड का कभी पूछेगा नहीं, इसीलिए मैं रिजल्ट लिख लूंगा कि कितना आ रहा है, कि डेवी हमारा जो यूलर्स बकलिंग लोड होता है वो कितना होता है, क्रिटिकल यूलर्स बकलिंग लोड बोलो या फिर क्रिटिकल यूलर्स फॉर्मूला क्या होगा, और उस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस हमें समझ आ गया तो कंसेप्ट भी समझ आ गया। इधर देखो कैसे, नेक्स्ट पेज में मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूलर्स, बहुत शानदार कंसेप्ट है यूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड। और एक चीज तो क्लियर हो गई होगी सबको कि ये बकलिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब ये किस कॉलम के लिए यूजफुल है, सर ये जो फॉर्मूला होगा यूलर्स क्रिटिकल फॉर्मूला फॉर बकलिंग बकलिंग लोड के लोड का अगर हम निकाल लें तो ये किसके किस कॉलम के लिए यूजफुल होगा, सर ये होगा हमारा लॉन्ग कॉलम के लिए। बहुत अच्छे, इधर देखना मैं तुरंत बोल दूंगा किसके लिए, बेस्ट फॉर्मूला फॉर लॉन्ग कॉलम, बेस्ट सूटेबल फॉर लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम के लिए क्या है, बेस्ट सूटेबल होता है ये। और फॉर्मूला क्या है, इधर देखना, क्रिटिकल बकलिंग लोड की बात कर रहे हैं तो मैं तुरंत बोल दूंगा, और किसने दिया, यूलर्स ने, इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रिटिकल यूलर्स क्रिटिकल वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, ये आता है पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर। देखो बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहना क्या है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इधर समझो इसे। अब इस फॉर्मूला को जब हमने ड्राइव किया था, ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है क्योंकि रिजल्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर अगर डेरिवेशन इंपोर्टेंट होता मैं जरूर कराता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो एक बार बुक से इसका डेरिवेशन देख लें, सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं, क्लियर है ना, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझे बोलना, फिर मैं इसके डेरिवेशन का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्लियर है ना, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हमारा जो ये हम लेके चल रहे हैं कॉमन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये जो लेक्चर्स हैं हर एग्जाम के लिए कॉमन है, क्लियर है ना। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जो सेमेस्टर एग्जाम वाले स्टूडेंट है, मेरे को क्या करना, कमेंट करना कि सर एक सेपरेट वीडियो बना दो, ये हमको डेरिवेशन समझ नहीं आया, हम डेरिवेशन बना देंगे। अब यहां पर समझना है इसमें वैल्यूज क्या क्या है, और इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए कुछ अजम्पशन भी माने गए। अजम्पशन क्या है वो एक बार लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है और हमेशा पूछता है कि इसके लिए जो अजम्पशन है वो क्या क्या है, उनको पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसको ड्राइव करने के लिए हमने क्या क्या चीजें मानी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमने क्या मानी, फर्स्ट जो अजम्पशन होगा वो क्या है कि जो लोड लगा हुआ है हमारा, क्या लोड जो लगा हुआ है बिल्कुल एक्सिस पे लगा हुआ है, क्लियर है ना, बिल्कुल एक्सियल लोड है, इधर उधर किसी भी सेंट्रिसिटी पे नहीं लगा हुआ। जैसे मान के चलो ये मेंबर है, तो मेरा जो लोड लगा होगा इसकी जो एक्सिस है उसी एक्सिस पे लगा होगा, कहीं क्रॉस सेक्शन इसेंट्रिसिटी पे नहीं लगा होगा, मींस एक्सिस से थोड़ा सा भी डिस्टेंस पे नहीं लगा होगा, अगर लग गया तो वहां बेंडिंग इफेक्ट आ जाएंगे ड्यू टू इसेंट्रिसिटी की वजह से, क्लियर ना। इसेंट्रिक अगर एक्सियल लोड लगाए, इसेंट्रिक एक्सियल लोड हमें बेंडिंग इफेक्ट दे देता है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, क्लियर है ना। इधर देखो तो मैं बोलूंगा कि लोड जो लगा हुआ है इज एज्यूम्ड टू बी क्या है, ट्रूली एक्सियल लोड, कंप्लीटली एक्सियल लोड, ट्रूली बोल दो, कंप्लीटली बोल दो, सब चीज क्या सेम है। दूसरा अजम्पशन क्या है कि क्रशिंग इफेक्ट जो है नेगलेक्टेड किए, सिर्फ हम बकलिंग ले रहे हैं,
जो क्रशिंग जो इफेक्ट होंगे, क्रशिंग लोड बोल दो और क्या बोल दो, इफेक्ट बोल दो, इज नेगलेक्टेड, हमने नेगलेक्ट कर रखा है इसको ड्राइव करने के लिए। क्रशिंग अगर आप कंसीडर करेंगे तो थ्योरी भी चेंज हो जाएगी, वो जो फॉर्मूला बनेगा वो रैंकाइंस फॉर्मूला बनेगा और वो हर कॉलम के लिए सूटेबल होता है। ये सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए, और वो जो रैंकाइंस फॉर्मूला आएगा वो हर कॉलम के लिए सूटेबल होगा, याद रखना। इधर देखो तीसरा इंपॉर्टेंट क्या अजम्पशन कि जो लेंथ है हमारी बहुत बड़ी है, मीन्स लेंथ इज वेरी लार्ज, तभी तो ये लॉन्ग कॉलम कहलाएगा, एज कंपेयर टू क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे लोड लग रहा होगा। तो हम बोल देंगे लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है ना, क्रॉस सेक्शन के एरिया से बहुत ज्यादा बड़ी होगी उसकी लेंथ। क्लियर है ना, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो बकलिंग होगा ही नहीं। अगर मैंने बोला मैंने एक पिलर लगाया, देखना मैंने बोला कि एक पिलर जो लगे रहते हैं, सबने देखा होंगे फ्लाईओवर के नीचे पिलर लगे रहते हैं, वो पिलर का क्रॉस सेक्शन एरिया मान के चलो पहले कितना था, हमारा था कुछ मान लो 500 mm। क्लियर है ना, 50 cm था, ठीक है, और उसकी हाइट थी हमने बोल दिया कितनी मान लें 10 मीटर मान लें, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी खासी नहीं होगी। मैंने बोला कि जो 500 mm था मैंने उसकी जगह 500 मीटर ले लिया। बोलो सर क्रॉस सेक्शन एरिया 500 मीटर छोड़ो, हमने 10 मीटर का ही ले लिया क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना मोटा हो जाएगा, क्या क्लियर हो रहा है सबको, कॉलम कितना मोटा हो जाएगा, क्या वो कभी बकल कर पाएगा, जिंदगी भर नहीं कर पाएगा, कितना भी लोड लगा लेना बकल करेगा ही नहीं। क्लियर ना, कितना भी लोड का मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोड लगाते लगाते थक जाएंगे लेकिन वो बकल नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। जिनके क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू लेंथ, उनको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम, और वही बकल करते हैं। क्लियर है, फोर्थ वन देखना कि जब कभी भी अगर मैं किसी भी कॉलम को, ये कॉलम की बात चल रही है, किसी भी कॉलम को हिंज करता हूं किसी भी पॉइंट पर, तो हिंज पॉइंट पर कुछ फ्रिक्शन होगा लोड की वजह से, और अगर फ्रिक्शन के इफेक्ट हम क्या करेंगे, नेगलेक्टेड करेंगे, मींस हम बोल देंगे व्हेनेवर अ हिंज्ड ज्वाइंट इज देयर then frictional force at hinged or इसी का दूसरा नाम है pinned point are negligible। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने बोला कि ये हमारे अजम्पशन है इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए। अब इसमें हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। पीई तो सबको समझ आ रहा है क्या है, यूलर्स क्रिटिकल लोड है। क्लियर है ना, ये क्या है, यूलर्स क्रिटिकल लोड। पाई क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है 3.14। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, सब जानते हैं मटीरियल की प्रॉपर्टी है। आई मिनिमम क्या होता है, एल ई क्या होता है, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज में। इधर देखो हम बोल देंगे हियर फॉर्मूला में PE जो क्रिटिकल था, हम बोल देंगे क्रिटिकल यूलर्स लोड है, यूलर्स लोड फॉर बकलिंग के लिए है। क्लियर है ना, कि इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है कि इस लोड से ज्यादा लोड नहीं लगा सकते हम। क्लियर है ना, इस लोड से ज्यादा लोड अगर हमने लगाया किसी भी कॉलम पर तो उसके फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इससे कम लगाएंगे तो हमारा सेफ रहेगा कॉलम। क्लियर है ना, ठीक है। दूसरा पाई तो सबको पता है, ई अंदा भी बता देगा, यंग्स मॉडुलस और इसकी यूनिट कोई बताएगा मुझको कमेंट करके, सर क्या बताना है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल होती है सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा था, आई मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मिनिमम ये क्या होता है, मिनिमम एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन आई एक्सएक्स एंड आई वाई वाई। इसका मतलब हम एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आई मिनिमम कंसिडर करना है। क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद आता है एल ई को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। क्लियर है ना,
एल ई से क्या हो रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। और एल अगर मैं बोलता हूं, एल खाली दे रखा है, वो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम। एक्चुअल लेंथ गिवन होती है हमेशा क्वेश्चन में, इफेक्टिव हमें निकालनी पड़ती है एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। और जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है अल्फा टाइम्स एल के बराबर। क्लियर है ना। वेयर वेयर अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा को बोलते हैं हम लेंथ फिक्सिटी रेशियो। लेंथ को फिक्स करने काम आता है लेंथ फिक्सिटी रेशियो, इसका नाम क्या है, लेंथ फिक्सिटी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, समझते रहना। लेंथ फिक्सिटी रेशियो ऑफ कॉलम, किसी भी कॉलम का, क्लियर है ना। उसके बाद अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है वन अपॉन एन स्क्वायर। क्या होती है, वन अपॉन एन स्क्वायर। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, वन अपॉन एन स्क्वायर, वन अपॉन एन स्क्वायर नहीं होती। इधर देखो, अल्फा की जो वैल्यू होती है, अल्फा नहीं, एक होता है एंड फिक्सिटी रेशियो। क्या होता है, एंड फिक्सिटी रेशियो, गलत लिख दिया। एक होता है एंड फिक्सिटी रेशियो जिसे बोलते हैं हम एन, एन क्या है, एंड फिक्सिटी रेशियो। मींस ये कॉलम की एंड पोजीशन को बताएगा, एंड कंडीशन को, कि एंड कंडीशन हमारी बोथ एंड फिक्स है, बोथ एंड हिंज है, वन एंड हिंज, वन एंड फिक्स है, वन एंड हिंज, वन एंड फिक्स और वन एंड फ्री है। क्लियर है ना। तो एंड फिक्सिटी रेशियो बोलते हैं इसको, एंड फिक्सिटी रेशियो ऑफ कॉलम। कितना क्लियर हुआ, एंड फिक्सिटी रेशियो ऑफ कॉलम। तो ये एन की वैल्यू क्या होती है, यहां पे लिख लेना, एन इक्वल टू वन अपॉन अल्फा स्क्वायर के बराबर होता है। कितना क्लियर है। तो मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखूं, लो तो हमारे पास आया था क्रिटिकल लोड का जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन क्या है, एल ई स्क्वायर, यही था ना। क्या मैं लिख सकता हूं, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल ई की जगह मैं अल्फा एल लिख दूं तो अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं सिंस क्या जानते हैं कि एन इक्वल टू वन अपॉन अल्फा स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता। तो क्या मैं वन अपॉन अल्फा स्क्वायर की जगह यहाँ एन रख दूं तो एक फॉर्मूला आ जाता है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ एन आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन ये एक्चुअल लेंथ जो हमें कॉलम की दे रखी होगी वो एल स्क्वायर आ गया। इफेक्टिव लेंथ नहीं है फॉर्मूले में, एन स्क्वायर, बट एन आ गया। एन क्या था, एंड फिक्सिटी रेशियो। इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हुआ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये कौन सा फॉर्मूला है, यूलर्स क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला है, याद रखना। ये हमेशा लॉन्ग कॉलम के लिए क्या है, सूटेबल है। शॉर्ट कॉलम के लिए नहीं लगाना इसको, नहीं तो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लॉन्ग कॉलम के लिए लगाना है। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब इधर देखो, ये तो हो गया हमारा। अब ये n की वैल्यू क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए वो हमें पता करनी है। तो अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू लिख रहा हूँ, इधर देखते रहना, n की वैल्यू लिख रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडरनेस रेशियो का है, सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर हम कॉलम को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्या टेबल है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड कंडीशन, बता दो एंड कंडीशन क्या है, ठीक है। एंड कंडीशन किधर लिखूंगा मैं, इधर साइड में लिखूंगा, लिखते रहना। लो कॉलम बना लेते हैं, एक चार एंड कंडीशन होती है तो चार कॉलम बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। इतने बनेगा तीन, एक और बना लो चार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस अब देखो अलग अलग भी लिखा सकता था मैं, लेकिन एक ही टेबल की फॉर्म में डेटा को याद करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसीलिए हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटाओ, अभी थोड़ा ऊपर लिखेंगे, क्लियर है ना। तो हम एक टेबल बना ले रहे हैं जल्दी से फटाफट, सब लोग क्या है मेरे साथ साथ बनाते रहो ताकि सब लोगों को, ये क्या बन गया, क्या जादू सा हो गया, नहीं लग गया अपने आप, क्लियर है ना। तो इधर देखो, ये ले लिया हमने, ये देखो, यहां मैं बात करने वाला हूं किसकी, एंड कंडीशंस की। एंड कंडीशन लिखते रहना, यहां बात करने वाले हम एंड कंडीशन की, इस डायरेक्शन में होंगी। और उसके बाद वैल्यू ऑफ, मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ अल्फा एंड एन, अल्फा और एन की वैल्यू क्या होंगी, नीचे की डायरेक्शन में होंगी, क्लियर है ना। तो दो कॉलम हम यहां पर भी बना लेंगे, सेपरेट कर देंगे इसको। अरे क्या हो रहा है, दो कॉलम हम यहां पर ही बना लेंगे,
और हर चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इधर देखते हो, दो कॉलम हमने इस तरह से बना लिए, इसको तो नीचे ज्वाइंट कर दिया इससे, क्लियर है। एक बीच में कॉलम बना दिया। तो पहले हम वैल्यूज याद रखनी है अल्फा की। अल्फा क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, अल्फा की होगी, और यहाँ पर जो होगी किसकी होगी, एन की होगी। और एन इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर होता है, ये सब जानते हैं। एन इक्वल टू वन अपॉन अल्फा स्क्वायर मीन्स अल्फा की वैल्यू याद रखनी है, सारी नहीं याद रखनी, अल्फा की वैल्यू अरेंज कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है, देखो कंडीशन लिख रहा हूं, बोथ एंड हिंज, बोथ एंड क्या है, बोथ एंड हिंज। बी का मतलब है बोथ, एच का मतलब हिंज, और यहां पर बोथ एंड फिक्स मैं लिख रहा हूं। देखो इसको मिटा, कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉलम बना देते हैं यहां पर भी, किस तरह का कॉलम होगा, ये हमने कॉलम बना दिया, और इसको बोथ एंड हिंज कर रहा हूं मैं। हिंज का मतलब पिन जॉइंट लगा रखा है मैंने, तो पिन जॉइंट लगा दूं यहां, बिल्कुल लगा दो। ये रहा हमारा पिन जॉइंट, कुछ इस तरह का होगा, क्या हो रहा है, पिन जॉइंट लगा दिया हमने। ये पिन लगी है, एक पिन यहां पर लगी है, उसके बाद लोड लग रहा है ऊपर से, और ये जो लोड निकलवा रहा है क्रिटिकल लोड, क्लियर है ना, क्रिटिकल लोड लग रहा है। तो ये वैल्यू हमने लगा रखी है कुछ लोड की, देखते रहना, और इसको बोल दिया मैंने पी लोड। इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर। इधर देखते रहो, तो ये कंडीशन क्या है सर, ये कंडीशन है हमारी बोथ एंड हिंज की। हिंज हो रखा है ना दोनों पॉइंट से, यहां पर भी हिंज है, यहां पर भी हिंज है, क्या इतना क्लियर है। और ये पी ऊपर से लग रहा है तो नीचे से भी लग रहा होगा ना, तभी तो कंप्रेस होगा, नीचे से भी तो लोड लग रहा होगा, तभी तो कंप्रेस कर पाएगा इसको, क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको। लो, नीचे से भी क्या होगा, लग रहा होगा ये लोड, तभी इसको कंप्रेस कर पा रहा होगा, क्या इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पर हम कंडीशन पढ़ेंगे, एक कंडीशन पढ़ेंगे बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स, एक पढ़ेंगे फिक्स, एक एंड फिक्स, और एक एंड क्या होगा, हिंज होगा, फिक्स एंड हिंज, और एक पढ़ेंगे एक एंड फिक्स, और दूसरा एंड क्या होगा, फ्री होगा, फिक्स एंड फ्री। क्या मतलब है इसका, फिक्स्ड एंड फ्री, क्लियर है ना, फिक्स्ड एंड फ्री, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड एंड हिंज, फिक्स्ड और एंड हिंज, देख लो इसका मतलब क्या है, बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, इसका मतलब बोथ एंड हिंज, देखो लिख दिया हमने बोथ एंड हिंज। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो अब यहां से देख लो, क्लियर है ना। अब मैं यहां पर लो फिर से इसको भी बना लेते हैं, सब में बना लेते हैं। यहां पर हमने एक कॉलम लिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और फिक्स इस तरह से होता है सब जानते हैं, ठीक है, फिक्स हो गया, बहुत अच्छे। यहां पर जो होगा फिक्स होगा, एक एंड तो क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे लोग, एक एंड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड को क्या कर दिया, हमने हिंज कर दिया, दूसरे एंड को क्या कर दिया, हिंज कर दिया। देखो यहां पर एक एंड फिक्स किया, एक एंड को फ्री छोड़ दिया, इधर देखना ये फिक्स था, ठीक है, फिक्स कर दिया, और एक को क्या कर दिया, हिंज कर दिया, मतलब पिन लगा दी। यहां पर इसको फिक्स कर दिया, ऊपर वाले को फ्री छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब लोड भी लगा देते हैं इसमें, यहां पर जो लोड लग रहा था पी लोड लग रहा था, ये पी लोड, इधर से भी पी लोड ही लग रहा होगा, ठीक है, यहां पर भी क्या लग रहा है, पी लोड लग रहा है, तो इधर से पी रिएक्शन आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, यहां पर भी पी लोड लग रहा है फ्री एंड पर, और इधर पर भी क्या आ रही होगी, एक रिएक्शन आ रही होगी पी, क्लियर है ना सबको, इतना क्लियर है। अब मुझे अल्फा की वैल्यू याद रखनी है, सिक्वेंस देखो कैसे याद रखना है। यहां पर क्या होगी, वन होगी, वन से स्टार्ट करेंगे, एक का आधा कर देंगे यहां, वन बाई टू, क्लियर है ना, यहां पर क्या होगी, वन बाई टू, याद रखनी है चीजें बहुत सिंपल है। यहां पर वन, यहां पर क्या होगी, वन बाई टू, और यहां पर क्या होने वाली है, वन अपॉन रूट टू, सिक्वेंस को याद रखो, और यहां पर हो जाएगी फिर टू, मीन्स वन, वन बाई टू, वन अपॉन रूट टू, टू, बहुत अच्छे, बस इतना ही याद रख, चार वैल्यू याद रखनी है और ये सीक्वेंस याद रखना है, सब कुछ याद हो गया, डेटा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एन हमें निकालना है, एन क्या निकालना है, एन, एन अगर मैं निकालता हूं तो एन की वैल्यू वन अपॉन वन स्क्वायर करेंगे, वन आ जाएगी, आई कि नहीं आएगी, मैं इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर रहा हूं तो ये फोर आ जाएगा, इससे रेसिप्रोकल का स्क्वायर करेंगे टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा वन अपॉन फोर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो लोड था हमारा क्रिटिकल लोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन था कि नहीं। इसका मतलब अगर सारा मैंने कॉलम सेम लिया, इधर समझना चीजों को, कॉलम मैंने सेम लिया, इसका क्रॉस सेक्शन सेम है, एक सिंगल कॉलम है, बट इसको मैं चार पोजीशन में अरेंज कर रहा हूं कि मैंने पहले तो इसे फिक्स कर दिया, बोथ एंड फिक्स कर दिया, एक बार फिक्स बोथ एंड हिंज कर दिया, एक बार मैंने फिक्स एंड हिंज कर दिया, फिक्स और हिंज,
एक बार मैंने फिक्स एंड फ्री कर दिया, तब क्रिटिकल लोड किसमें सबसे ज्यादा बियर होगा, मींस बकलिंग लोड बियर करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होगी। क्या फील नहीं होता कि बकलिंग जो लोड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, इसका मतलब एन की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा होगी वहीं लोड सहने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी कॉलम की। क्या एन की वैल्यू बोथ एंड फिक्स में सबसे ज्यादा है, इसीलिए अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं हो कि कॉलम की एंड पोजिशन नहीं दी हो तो हम मानेंगे कि वो कॉलम बोथ एंड फिक्स दे रखा है। क्लियर है ना, बोथ एंड फिक्स दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम तुरंत बोल देंगे नेक्स्ट पेज पर कि जो क्रिटिकल लोड होगा यूलर्स बकलिंग लोड किसका बोथ एंड फिक्स का ज्यादा होगा। किससे, देखो चार वैल्यू है ना इसकी, फोर टाइम्स इसकी क्या है टू वैल्यू है, तो फिर इसका होगा फिक्स एंड हिंज का, होगा कि नहीं होगा। क्रिटिकल लोड यूलर्स बकलिंग लोड किसका ज्यादा होगा, फिर फिक्स एंड हिंज का, फिक्स एंड हिंज। क्लियर है ना। उसके बाद यूलर्स बकलिंग लोड किसका होगा, बोथ एंड हिंज का। उसके बाद होगा क्रिटिकल लोड फिक्स एंड फ्री का। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। और इधर देख लो कि सबसे ज्यादा चार वैल्यू किसकी है, बोथ एंड हिंज की, उसके बाद फिक्स एंड हिंज की, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। उसके बाद वन, उसके बाद वन बाई फोर। इसमें सबसे कम लोड सहने की क्षमता होती है, सबसे जल्दी बकल करने के चांसेस इसमें फिक्स एंड फ्री में, और सबसे कम चांसेस किसमें, बोथ एंड फिक्स में। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। समझ आ रही है ना बात, बिल्कुल समझ आ रही है। अभी अगर कल को पूछ लेता है कि अगर कोई कॉलम दे रखा है, बोलेगा कि अगर मैं इस कॉलम को बोथ एंड फिक्स कर देता हूं तो लोड की वैल्यू कितने गुना बढ़ जाएगी, तो क्या चार गुना बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर कॉलम पहले इनिशियली दे रखा था ठीक है, अगर उसने बोला पहले कॉलम बोथ एंड हिंज था, हमने उसे बोथ एंड फिक्स कर दिया, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई, चार गुना बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अगर मैंने बोला कि पहले बोथ एंड हिंज था और अगर मैंने क्या कर दिया, बोथ एंड फिक्स एंड हिंज कर दिया, तो दो गुना बढ़ जाएगी। मैंने बोला पहले कॉलम कितना था, कोई मुझे बताएगा क्या, सर पहले कॉलम बोथ एंड फिक्स था, उसके बाद मैंने बोला इसको फिक्स एंड हिंज कर दिया, तो कितने गुना बढ़ गई, कोई मुझे बताएगा। फिक्स एंड हिंज कर दिया तो कितने गुना बढ़ जाएगी, दो गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है ना, इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां तक आज हमने देखा, यूलर्स बकलिंग लोड देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिया, और इसके आगे फिर अब हम कल पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल की। कल हम इसे खत्म कर देंगे, एक रैंक एंड थ्योरी बचती है, उसके बाद दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर है ना। फिर एक टॉपिक बचेगा हमारा, वो कौन सा होगा, वो होगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने बात के लिए छोड़ा है, पहले छोटे मोटे टॉपिक को क्या कर लेते, कवर कर लेते। एक टॉपिक बचेगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, उसमें हमको चाहिए कम से कम जितना शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में लेक्चर लिए थे उतने ही उसमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में लेक्चर लगेंगे, और उसके हिसाब से हम सारी चीजों को सीख लेंगे। उसके पांच छह मेथड है, पांच छह मेथड को मैं एक एक लेक्चर में सबको कवर करा दूंगा, तो पांच छह लेक्चर में हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम सीख लेंगे। क्या इतना क्लियर है। तो अगर आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते उतना करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, किसके साथ, स्ट्रट एंड कॉलम विद रैंक एंड थ्योरी के साथ, और विद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन होंगे, जो कि देखते ही क्या है, हमें चुटकियों में करने की आदत सीखनी है। क्लियर है ना। तो आज का लेक्चर अगर पसंद आ गया है, वाकई में पसंद आ गया है, तो कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है, और पढ़ते रहना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक आपके साथ हूं तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आराम से कराएंगे, बट मेरा सपोर्ट करो, तब तो मुझे भी एनर्जी आए। क्लियर है ना। मैं पैसे किसी से मांग नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि लोगों के पास चीजें पहुंचनी चाहिए। पैसे के नाम पे तो बहुत कुछ हो गया, पैसा जहां से कमाना था कमा लेंगे, नहीं कमाना होगा नहीं कमाएंगे, बट हाँ जिन लोगों को चीजें प्रोवाइड करानी है उनको तो प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है। ठीक है, तो फिर कल सुबह मिलते हैं 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, अलविदा, सब्बा खैर।